हम बात करते हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की। जब पैरेलल में रेजोनेंस सर्किट होता है, मतलब पैरेलल में जब आरएलसी एलिमेंट लगे होते हैं, तो जेड की वैल्यू आती है 1 बाय आर स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्सएल माइनस 1 बाय एक्ससी का होल स्क्वायर। उस केस में जेड की वैल्यू जिस तरह से लिखी जाती है जैसे अभी हमने देखा था, यहां पे एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जरूर होगी जब एक्सएल और एक्ससी बराबर होगा। जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होगा, देखा जाए तो ये वाला पोर्शन तो जीरो हो जाए, तो उस केस में वन अपॉन जेड आएगा। वन अपॉन जेड इज इक्वल टू रूट ओवर वन बाई आर स्क्वायर प्लस जीरो हो जाएगा। ये जो वैल्यू होगी जेड की, ये मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी? अब आप देखिए ये पूरा इनवर्स में चल रहा है ना, तो ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी जेड की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जेड मैक्सिमम होगा। मतलब वो फ्रीक्वेंसी जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी जाएगा तो जेड मैक्सिमम हो जाएगा। जेड मैक्सिमम हो जाएगा किस फ्रीक्वेंसी के लिए? जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो जाएगा तो मतलब ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन एलसी के लिए ये वो फ्रीक्वेंसी होगी जिस फ्रीक्वेंसी के लिए जेड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जेड मैक्सिमम होने का मतलब क्या हो गया? ये जो करंट फ्लो हो रही है सर्किट में, ये करंट मिनिमम हो जाएगा। क्यों? अभी हम जब करंट की बात करते हैं, I इज इक्वल टू होता है वी नॉट बाई जेड। अगर हम ऐसे करंट लिखते हैं, मैक्सिमम किसी जगह करंट लिखते हैं, आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड होता है। इस केस में मिनिमम करंट की वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम हो जाएगा जब वी नॉट बाई जेड मैक्स होगा, ये होगा। मिनिमम करंट आएगा वी नॉट डिवाइड बाई आर। अभी जब हम सीरीज रेजोनेंस की बात कर रहे थे तो उसको बोलते थे एक्सेप्टर सर्किट, ट्यूनिंग वाला सर्किट। ये सर्किट है रिजेक्टर सर्किट, क्योंकि जब इस केस में जब ये एक्सएल की वैल्यू, जब एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाएंगे, उस केस में रेजिस्टेंस वाला इंपीडेंस बचेगा और उस केस में करंट मिनिमम होगी। ये हो क्यों रहा है वैसे? करंट मिनिमम आ क्यों रहा है? हम फेजर डायग्राम देखें तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर हम इसका फेजर बनाएं तो देखो, पहले जब फेजर बनाते थे तो क्या आता था? ऐसा कुछ लिखते थे, ये रेजिस्टेंस की क्रॉस करंट होगी और यहां पे इस केस में वोल्टेज से करंट लीड करेगा। इस केस में वोल्टेज से करंट लीड करेगा तो ये हो जाएगा हमारा आईसी वाला करंट, और इस वाले करंट में वोल्टेज लीड करेगा तो ये हो जाएगा आईएल वाला करंट। जब पैरेलल रेजोनेंस होगा तो आईसी और आईएल की वैल्यू बराबर हो जाएंगी। आईसी और आईएल की वैल्यू बराबर होगी तभी तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होगा, क्योंकि आईसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बाई एक्ससी, और आईएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी डिवाइड बाई एक्सएल। जब ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी तभी तो दोनों करंट बराबर हो जाएंगे, और जब ये दोनों करंट बराबर हो जाएंगी तब ये करंट रिजेक्ट हो जाएगी और खाली इस लाइन वाली करंट बचेगी। मतलब पैरेलल रेजोनेंस सर्किट जब होता है तो ये दोनों करंट, इन दोनों ब्रांच में करंट फ्लो होती है, लेकिन इन दोनों ब्रांच में जो करंट फ्लो होती है वो एक दूसरे से आउट ऑफ फेज होती है। ये आईएल जो फ्लो होती है और ये आईसी जो फ्लो होती है, ये आउट ऑफ फेज होती है। मतलब ये दोनों करंट का सम जीरो आता है और जो करंट बचती है वो क्या आती है? आईआर। तो जब रेजोनेंस होता है, सीरीज रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम होता है और पैरेलल रेजोनेंस में करंट मिनिमम होता है, और इसमें वो करंट जो फ्लो कर देती है वो आईआर के बराबर हो जाती है, और ये करंट क्या कहलाती है? वी नॉट बाई आर। इसको बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट। और यहां पे देखा जाए तो करंट और फ्रीक्वेंसी का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, तो करंट और फ्रीक्वेंसी का जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो करंट का ग्राफ ऐसा आता है, ये जाता है आई मिनिमम, एग्जैक्टली उल्टा जैसा भी ड्रॉ करते थे वहां पर, और इस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे ओमेगा नॉट। और जेड और एक्स के बीच में अगर हम ग्राफ देखें तो ये ऐसा है, ये जाता है जेड मैक्स, और मैक्सिमम जेड किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा, रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो पैरेलल रेजोनेंस में मैक्सिमम इंपीडेंस आर के बराबर होता है और मिनिमम करंट होता है वो जो हो जाता है वी नॉट बाई आर के बराबर आएगा।
और जो करंट होगी वो इन फेज होगी वोल्टेज के, करंट जो है वोल्टेज के फेज में होगी।